भाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया, तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं, उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना, जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है, मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे और उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं, मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उसने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे, उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15% आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो सुधरे ना है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं, मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव का राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है, हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म मंदिर मस्जिद की बात नहीं कहा है, उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं कलम और किताब होना चाहिए।
मैं कलम और किताब का बात करता हूँ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने फतेह बहादुर सिंह को कायर बहादुर सिंह कहा है और ये कहा है कि फतेह बहादुर सिंह में हिम्मत है तो शादी ब्याह में, पूजा पाठ में या फिर किसी के देहांत में जाना छोड़ दे, वहाँ भी धार्मिक रीति रिवाज से सब चीज होता है। जिनके घर में पूजा पाठ होता है उनसे वोट भी ना मांगे, ये कहा है उन्होंने। पहला नंबर मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्व गुरु मतलब कि विश्व गुरु कौन है, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोग उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना बात रखूंगा। विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु भारत को बोला जाता है। विश्व गुरु है कौन? तो आप बताएंगे ना, आप बताएंगे। तथागत गौतम बुद्ध से पहले ना कोई विश्व गुरु हुआ है और ना कोई आगे आसार दिख रहा है। तो मैं तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में मतलब की बढ़ रहा हूँ। और ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए हमको, जहाँ राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर को ललई यादव ने 76 में जो सच्ची रामायण का फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में आदेश दिया कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अब काल्पनिक से क्या आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर अब कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। और उस मंदिर में मैं आपको रोजगार मतलब उस मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा? लेकिन आपके जेडी मंदिर मैं मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो पूर्व में वो साकेत था वो अयोध्या था ही नहीं, 180 वर्ष ईसा पूर्व तक वो साकेत था और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का धरती है। उस धरती पर विद्यालय खुलना चाहिए था, यूनिवर्सिटी मतलब कि खुलता, हॉस्पिटल मतलब खुलता। तो आप भी मानते हैं कि काल्पनिक है राम को, आप भी काल्पनिक मानते हैं? अरे जब सुप्रीम कोर्ट मान लिया तो मैं मतलब कि मानने वाला नहीं मानने वाला कौन होता हूँ? लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उस आदेश को पूरा पढ़िए, उसने क्या आदेश मतलब दिया है? यहाँ राम मंदिर का कोई मतलब तथ्य नहीं है, लेकिन भारतवासियों को आस्था को देखते हुए मैं जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं, जेडीयू बारी बारी पूछिए, बारी बारी शब्द जवाब में दूंगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं कायर बहादुर सिंह, उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? देखिए, जो मनुवादी लोग हैं चाहे जहाँ भी हैं वो अंधविश्वास का ही बात करेंगे, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जहाँ भी हैं वो समाजवाद और शिक्षा का बात करेंगे। मैं शिक्षा का बात तेजस्वी यादव जी का बयान आप लोग सुने हैं, वो तलवार बांट रहा है और हम कलम बांट रहे हैं, हम नौकरी बांट रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं। आप जो बयान दे रहे हैं क्या? अरे भाई मेरा आस्था है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो मेरा देखिए, जिनको हर आदमी अपने अपने विचार का स्वतंत्र होता है, वो मेरा विचार आस्था पर क्या बोल रहे हैं नेता? आप जानते हैं जो बोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोले, कौन है? हम पार्टी का वर्कर है, नहीं है कैसे रही है? आस्था पर नहीं बोलना चाहिए। देखिए हिंदू आस्था को ठेस तो पहुँच रही है ना? एक मिनट, आपने हिंदू का बात किया, कोई ऐसा ग्रंथ बताइए उनको शूद्र कहा गया? सारे ग्रंथों में बहुजन देवी देवताओं, अरे हिंदू आया कहाँ से? लगातार कर रहे हैं आप। मैं एक तापमान की आपने, मैं ये पूछ माँ सरस्वती, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू शब्द आया कहाँ से? नहीं, हिंदू शब्द कहाँ से आया? एक भी ग्रंथ में दिखाइए कहीं मतलब कि हिंदू अगर शब्द होगा तो। अरे हिंदू हम सभी शूद्र हैं। 90% के बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ में लिखा है हमें शूद्र कहा है। हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। आपको हिंदू अरे हम हिंदू वोट नहीं चाहिए? अरे हम हिंदू हैं ही नहीं,
हमें हम, ऐसी बात कर नहीं, हमें जो ब्राह्मणों ने जो नाम दिया है 90% के लोगों को, ओबीसी एससी एसटी को, हर ग्रंथों में रामायण से लेकर मनु स्मृति तक में हमें उन्होंने शूद्र कहा है। क्या आपके पार्टी के नेता आपके, अरे हमें शूद्र कहा है, बयान आपके पार्टी, मेरा पर्सनल बयान है, मेरा बयान है। आपको अफसोस नहीं अपने बयान पे? नहीं नहीं, मैं सत्य बोला हूँ।